छतरपुर के जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। नए मामले में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पति संदीप पांडे ने बताया कि देर रात प्रसव पीड़ा होने पर पत्नी नीतू पांडे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर जीएल अहिरवार ने मृतकों के परिजनों के आरोपों को निराधार बताया है। 1 जुलाई 2021 को मेरी शादी हुई थी, लगभग अभी 11 महीने हो चुके हैं और मेरा पुराना विवाद माताजी से घर के अन्य सदस्यों से था, जो कि एक लंबी कहानी है। फिर उसके बाद भी मेरी शादी के बाद प्रताड़ना जारी रही, मेरे और मेरी पत्नी के साथ मारपीट और मेरी ससुराल वालों को फ़ोन लगा के दहेज के रूप में 10 लाख रुपए की डिमांड बार बार की गई, गाली गलौज किया गया। मम्मी पापा और बड़ी बहनें सब लोग कॉल करते थे, गाली गलौज करते थे। इसमें उसका बीपी बढ़ने लगा और उसके बाद में मैंने सेफ्टी से डिलीवरी कराने के लिए मोहल्ले के बगल में ही किराए का मकान लिया। कल रात्रि को लगभग 1 से 2 बजे के आसपास में मेरी माताजी, पिताजी और दो बहनें कमरे पर आई थी। उन्होंने उसके साथ मारपीट धक्का मुक्की की, मैंने बचाव किया तो मेरा सिर दीवार से मारा, जिससे ये चोट के निशान हैं। उसकी वजह से उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लीवर पेन बड़ा डिस्चार्ज होने लगा। मुझे आनन फानन में यहाँ लेके आना पड़ा और डॉक्टर्स ने यहाँ पे जो बीपी का ट्रीटमेंट दिया है वो मुश्किल से 10-15 मिनट ही चल पाया। वो चल के आई थी, एम्बुलेंस में आई थी, डॉक्टर्स ने भरपूर लापरवाही करी है और गलत ट्रीटमेंट दिया है। और इसके बाद वो 10-15-20 मिनट में ही ट्रीटमेंट के बाद वो जब वो ख़त्म हो गई थी तब मुझे अंदर बुलाया है। जिला चिकित्सालय छतरपुर में 3 जून 2022 को रात्रि 2:10 पर मुझे ऑन ड्यूटी डॉक्टर रचना चौरसिया ने बताया कि सर, जिला चिकित्सालय में एक महिला नीति पांडे, पत्नी संदीप पांडे भर्ती हुई थी, जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसका ब्लड प्रेशर 194/124 था और अत्यधिक गंभीर अवस्था में लाया गया कि प्रेग्नेंट थी। तो ड्यूटी डॉक्टर ने उसको तुरंत भर्ती करके उनका उपचार चालू किया और मेडिकल स्पेशलिस्ट एवं गायनेकोलॉजिस्ट को तत्काल कॉल किया। उन्होंने अत्यधिक प्रयास किया क्योंकि महिला की स्थिति अत्यधिक गंभीर थी। गंभीर होने के कारण 2:40 पर उनको बचाया नहीं जा सका। जैसा कि मैंने डॉक्टर रचना चौरसिया से पूछा कि क्या कोई वो है, तो उसने बताया कि ऐसा हमारा मरीज और उनके परिजन के साथ कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है और उसने पूरा प्रयास किया जितना वो कर सकती थी, लेकिन मरीज पहले घर से ही मन गंभीर स्थिति में आया था। 1 जुलाई 2021 को मेरी शादी हुई थी, लगभग अभी 11 महीने हो चुके हैं और मेरा पुराना विवाद माताजी से घर के अन्य सदस्य। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।